फ्रेंड्स तो आज का व्लॉग के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सनफा अख्तर, अहले कह रही हूँ आज के लिए फिर से एक न्यू व्लॉग। आज थोड़ा सा एक सैडनेस होने वाली है क्योंकि गाइस आज हमारे कच्चे बच्चे जो है वो जाने वाले हैं टीका करवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए भी सी जी का। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। फिलहाल तो अभी मैं आ गई हूँ टेरिस पर और ये मॉर्निंग का टाइम हो रखा है और गाइस काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है क्योंकि गर्मी का टाइम स्टार्ट हो गया है गाइस, समर सीज़न आ गया है तो धूप तो आना भी लाजमी है। तो देखिए गाइस इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, सुबह का टाइम है, ये मुश्किल से 7 से 8 के बीच का टाइम है। ये बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है, इतनी सुबह सुबह हो जाए कि मैं सोचा भी नहीं था। तो चलिए अब चलते हैं अंदर क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अपने क्यूट क्यूट लिटिल लिटिल बेबीज़। ठीक है, तो हम लोगों ने नए बेबीज़ पाले हैं गाइस, हमारे लिटिल लिटिल बेबी चिकन्स। ये देखिए इतने सारे बेबी चिकन्स हम लोगों ने पाले हैं और इसमें 6 बड़े हैं थोड़े से और 6 बहुत छोटे हैं। तो अभी सब जो है ना सोच रहे कब खाना देंगे कब खाना देंगे, तो खाने के लिए यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए हैं, कब हम लोग को खाना मिले पानी मिले। तो इतने प्यारे प्यारे गाइस देखिए कहाँ पर बैठ गया है मुझसे बात करने के लिए, बहुत क्यूट है ये सारे के सारे। और ये पूरे 14 पीस हैं, ठीक है, 2 बड़े हैं और बाकी के 12 छोटे हैं। ये देखिए गाइस ये वाला देखिए तो एकदम कबूतर जैसा लगता है, ये हम लोग का फेवरेट है, एकदम कबूतर जैसा, ये वाइट प्योर वाइट है ये। और एक रेड है जो कि हमारे 2 बड़े हैं बाकी सारे छोटे हैं, 14 पीसेस हैं। और गाइस चलिए हम लोग को दे देते हैं खाना और पानी, इसमें हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि गाइस टाइम टू टाइम देना पड़ता है, जितने छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो उनके खाने का खास ख्याल रखना पड़ता है। अभी हम लोग बजरा दे रहे हैं लोगों को क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा इनके लिए कोई खाना नहीं, गर्मी भी देगा इनको और इनको ठंडी से भी बचाएगा क्योंकि आजकल आप देख रहे थे कि बारिश होने लग गई थी तो उसकी वजह से बजरा हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा गर्मी और ठंडी का बैलेंस रहे। और गाइस हमारे कच्चू पच्चू नीचे आए, हम लोग ने तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पॉटी कर दिया है और मैंने उनका पैर पकड़ा हुआ है कच्चू पच्चू का क्योंकि पैर में ना भर जाए, लेकिन भर गई थी उनकी पॉटी। तो ठीक है, ये रहा हमारा आज की सुबह का शुरुआत जो कि हमारे कच्चू पच्चू ने कर दी है। और गाइज़ ये मम्मी जा रही हैं चेंज करने बाबू का कपड़ा क्योंकि आज बाबू को जाना है टीका लगवाने के लिए। ये रही बाबू की शॉर्ट्स जो कि गर्मी के टाइम में शॉर्ट्स बहुत अच्छी होती है बाबू लोग के लिए। और गाइज़ ये कपड़ा पहनने वाले हैं हमारे कच्चू पच्चू और आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इनका सेकेंड टीका लगने वाला है। फर्स्ट टीका तब लगा था जब ये न्यू बॉर्न जिस दिन आए थे ना संडे के दिन ही ये आए थे और संडे के दिन ही इनको टीका भी लग गया था, यानी जिस वक्त ये हुए थे उसके 1-2 घंटे के बाद इनको फ़ौरन टीका लगा दिया गया था। और अब लगने वाला इनका सेकेंड टीका जो कि BCG का होने वाला है और ये समझ रहे हैं कि आज कुछ तो कुछ होने वाला है, मुझे सजाया वजाया जा रहा है, मतलब आज तो मेरा सच में है। तो गाइस ये डर रहा था और खैर इसको तो पता नहीं है लेकिन बाबू है ना हमारा बहुत ज़्यादा होशियार टाइप का है, स्मार्ट टाइप का। तो मम्मी लगा रही हैं काजल में हमारे बाबू को ना वहाँ पर किसी की नज़र ना लग जाए, हमारे कच्चू बच्चे को क्यूट क्यूट बेबी को, ठीक है। तो ये लगवा रहे हैं काजल, मैं तो बचपन में काजल बिल्कुल नहीं लगवाती थी गाइस, मम्मी बताती थी कि कहीं कि अभी ये छोटा इसको लगा दें तो ये भी बाद में फिर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा काजल लगाने में। तो गाइस ये देखिए हमारे बाबू के एक आंख में काजल लग गया है, एक में नहीं लग पाया है, कैसे देखने लगता है बाबू। और ये ना काजल लगा कर ना काजल मम्मी कहीं से लगाते क्योंकि इसमें इसकी आइज़ जो है बड़ी हो जाए, अब मेरी मम्मी इतनी गाइस तो है लेकिन मम्मी लगा रही हैं तो खैर क्या कर सकते हैं गाइस, मुझे तो लगाती थी मैं इतना रोती थी कि बस मम्मी ने फिर लगाना ही छोड़ दिया। तो ठीक है, ये हो गया हमारे बाबू रेडी और अब मैं जा रही हूँ इसकी बॉटल को रेडी करने के लिए क्योंकि गाइस ये लोग जब जाएंगे ना तो बॉटल भी साथ होगी क्योंकि जब कच्चू रोएगा तो इसको बॉटल ही चुप करवा सकती है, बाकी कोई नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए गाइस फटाक से मैं बॉटल रेडी कर रही हूँ, बाबू की फुल बॉटल बना रही हूँ, ठीक है। 2 कप यानी 2 स्कूप डाल रही हूँ मैं पाउडर का और पानी मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ना खूब सारा दूध इसका बन जाए और फिर ये पिएगा, ठीक है, जब ये रोएगा बाबू। तो इससे जब भी मम्मी जाती हैं बाबू को लेकर हॉस्पिटल तो बॉटल रेडी करवा लेती हैं, मैं कर देती हूँ और इसमें वो रोए तो चुप हो जाए फटाक से इसे पीकर, ठीक है। तो गाइस बस अब कुछ ही देर मम्मी लोग निकलने वाली हैं और मैंने दूध जो है शेक कर दिया है जिसमें अच्छे से शेक हो जाए और कच्चू जो है हमारा बस जा ही रहा है, थोड़ी देर में मम्मी का डायपर लाओ चेंज कर देती हूँ उसका। और ये देखिए गाइस हमारा कच्चू जो है रेडी है जाने के लिए डॉक्टर भैया के पास। और ये देखिए गाइस और बस बच्चों जो है ना इनको थोड़ी भूख वूख लगी थी और नींद भी लगी थी, कह रहे थे हमें सोना है, बस इनको क्या होता है गाइस इनको बॉटल चाहिए होती है उसके बाद फिर फटाक से सो जाते हैं। तो चलिए कच्चू बच्चू आज आप जाइए और देखते हैं क्या होता है आज कितना, मम्मी से मैंने सुना है गाइस की बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है BCG के टीके से, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा कच्चू अभी तो एकदम सही है और हंस बोल रहा है, किसी उसी सब दे रहा है, देख लीजिए आपके सामने दे रहा है, जैसे मैं इसको देती हूँ ना वैसे ही मुझे रिप्लाई भी देता है, देखिए किसी। और गाइस उसके बाद कच्चू चला गया और मुझे मम्मी ने काम बताया था कि ये सारी जो है ना मेरी चूड़ियाँ वगैरह इनको तुम्हें अच्छे से सेट करना है इस बड़ी से ट्रे में, जो कि मम्मी कहती है मैं इतनी सारी चूड़ियाँ ला कर रखती हूँ कि जब मुझे पहनना होता है तो एक भी चूड़ी नहीं मिल पाती है कहीं, इसलिए सारी चूड़ियों को तुम्हें लगाना है।
और गाइज मैं जा रही हूँ सबको अरेंज करने के लिए अच्छे से, ठीक है। ये देखिए गाइज बहुत सारी चूड़ियाँ मम्मी के पास, जो कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके पास इतनी अच्छी चूड़ियाँ हैं, लेकिन वो जब पहनना होता है तो कुछ भी नहीं मिलती है, तो इसलिए जा रहे हैं। चलिए सबको अरेंज कर लेते हैं फटाफट से। और ये सब पूरा मैसी हो रखी है ट्रे, इसको पूरा खाली करेंगे और जो भी ब्रेसलेट्स हैं चूड़ियाँ हैं वो सबको एक सीरियल वाइज करके लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बहुत प्यारे प्यारे मम्मी के पास ब्रेसलेट्स भी हैं, और लेकिन मम्मी के पास रखने की जगह नहीं थी, तो मम्मी ने कहा कि इस ट्रे में तुम अरेंज कर दो और इस ट्रे को रख दोगे अच्छे से सेव करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बताइए कि आप गर्ल्स, आप लोग की चूड़ियाँ पसंद पहनना पसंद है या नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है, मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो ये सारी चूड़ियाँ तो तब पहनते हैं जब मैरिड होते हैं, तो इसलिए मम्मी पहनती है। मेरी इसमें कोई चूड़ी नहीं है, सारी सारे बड़े लोग की ही चूड़ी है, मम्मी की ही चूड़ी है, ठीक है। ये देखिए वाइट ड्रेस पर मम्मी ने लिया था, सारी चूड़ी मम्मी ने तब ली थी गाइस जब अभी हमारे कजिन्स की शादी पड़ी थी, तो मम्मी ने बहुत सारी चूड़ियाँ ली थी अपने ड्रेस पर मैच करके, हल्दी मेहंदी शादी वलीमा और चौथी, बहुत सारी ड्रेस पर मम्मी ने मैच करके चूड़ी ली थी। तो वो सब टूटी जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि इसमें लगा दो जिसमें अच्छे से अरेंज रहे, कहीं भी जाना होगा फटाक से निकालेंगे और पहन लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैं लगाना शुरू कर दी हूँ चूड़ियों को, और कुछ चूड़ी जो है मैंने रैप करके रखी है, क्योंकि उनकी जो ना शाइनिंग है गाइस वो चली जाती है, इसलिए मैंने कुछ चूड़ी जो रैप करके रखी है, और बाकी की कुछ चूड़ी जो है वो मैंने ऐसे ही लगा दी है। देखिए गाइस मेरे पास इतनी सारी ग्रीन वैरायटी की चूड़ियाँ हैं, लेकिन मम्मी जो है ना जब कहीं जाती वाती हैं तो उनको कुछ मिलता ही नहीं है। तो देखिए गाइस ये सारे सूट पर मम्मी ने चूड़ी बनवाई थी इस बार जब शादी का फंक्शन था, स्काई ब्लू हो गई, गजनी वाली हो गई, और बाकी तो मम्मी ऐसे डेली रोज में पहनने के लिए लाती रहती हैं ग्रीन ऑरेंज येलो। तो ये ये भी हम मायों के फंक्शन के लिए यानी हल्दी के फंक्शन के लिए मम्मी ने बनवाए थे, मतलब कि खरीदे थे, और फिर आज उसकी ये हालत है देख सकते हैं आप, सब कुछ मिस हो गया उसका बैंगल्स और बाकी का। और ये देखिए गाइस इतनी तरह की वैरायटी की चूड़ियाँ मम्मी ने अब तक लेके रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी का कलेक्शन ये चूड़ी का, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा आप सभी। और आप लोग भी चाहें तो अपनी चूड़ियों को ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखें जिसमें आपकी चूड़ी जो है ना टूटेगी भी नहीं, और आपको कहीं भी जाना होगा तो आसानी से मिल जाएगी। ये मायों के मम्मी ने बनवाए थे जब कजिन की शादी पड़ी थी, तो ये रहा मायों का सेट जो मम्मी ने बनाया था, हल्दी का सेट है गाइस। एक अच्छा आइडिया आप लोग को दे दिया ऑर्गेनाइज करने का बैंगल्स, और ये भी मम्मी ने डार्क ब्लू वाला जो है ना ये भी मम्मी ने बनवाया था जब हम लोग के यहाँ कजिन की शादी पड़ी थी, तो ये सेट मम्मी ने पहना भी नहीं था गाइस, और इसकी बहुत सारी चूड़ियाँ टूट चुकी हैं गाइस, बहुत बुरा लगा ही देखकर मुझे, क्योंकि हम मम्मी ने बहुत ही मेहनत से एक ड्रेस पर अपनी चूड़ी मिलवा कर बनवाई थी सेट्स, और आज सबका बुरा हाल हो गया है। फिलहाल अब नेक्स्ट शादी पता नहीं कब पड़ने वाली हमारी कजिन्स में फैमिलीज में। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कुछ सूट्स हैं जो कि मम्मी के हैं, और आज मैं जाने वाली हूँ टेलर के पास, तो इन सबको देना होगा, और ये कलर्स आपको बहुत अच्छे पसंद आएंगे, समर टाइम ये सब कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग भी देख लें अगर आपको बनवाना हो गर्ल्स तो आप लोग भी इस टाइप के सूट्स बनवाएं, क्योंकि ये कलर जो है बहुत ही कूल कलर है, और समर में ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सीक्वेंस का पूरा काम हुआ था उस पर, और ये है ये भी स्पेस पर भी सीक्वेंस का पूरा काम है, और ये रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में है, और हमारे यहाँ मैरिड अनमैरिड सब वाइट लोग वाइट ज़रूर पहनते हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी भी वाइट पहनती हैं और मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसे सूट बनवाएं। और ये है हमारा बेज कलर का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लेन शलवार और पूरा चुंदरी का ऊपर का है शर्ट, जो कि आप इसे कुर्ती कह लें, ठीक है। तो आप देखते हैं सबको क्या स्टिच करवाना है, और हमारा बेबी आ गया है टीके लगवा कर बहुत ज़्यादा रो रहा है। क्या करेंगे गई हूँ बाहर यानी टेलर भैया की शॉप पर, बस पहुँचने वाली हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं कपड़े दिखाई कर आई थी ना आपको घर पर, वो सारे मैं टेलर भैया को स्टिच करवाने के लिए देने के लिए आई हूँ मम्मी का कपड़ा। आप लोग कहते हैं मम्मी बहुत ज़्यादा आपका कपड़े सिलवा दी, माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। और ये देखिए इसको सोर्स में लेकर आ गई हूँ दुकान पर यानी शॉप पर भैया की, और ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा खाली चल रहा है इनका काम, तो इनको काम दे देते हैं, और वो अभी फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैंने छोटा भैया था तो उसको मैंने। और गाइस चलिए अब वीडियो का एंड कर देते हैं, मैं सोच कचू की साथ ही आपके साथ वीडियो का एंड करते हैं, तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोग से एक नया वीडियो नया कंटेंट में, तब तक के लिए हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे कचू बच्चू को आप लोग बेस्ट विशेस दीजिएगा कि उसको ज़्यादा फीवर वीवर ना आए गाइस, और देखते हैं आज क्या होता है, आज की रात वो सो पाता है कि नहीं सो पाता है। फिर मिलेंगे आप लोग से नए वीडियो तक के लिए हाफिज़, जैसे मैं उसको किस देती हूँ गाइस देखिए मुझे किस देता है। बाय बाय फ्रेंड्स।